केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने कच्चे तेलों के आयात शुल्क बंद कर दिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों के कृषि उपज को अधिक दाम दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बेहद अहम फैसले लिए हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। सबसे अहम बात, कच्चे तेल पर कोई आयात शुल्क नहीं है। 20% आयात शुल्क लगाने का फैसला किया गया है। वही रिफाइंड ऑयल पर इसे 12.30% से बढ़ाकर 32.30% कर दिया गया है। तो वही सोयाबीन किसान को बड़ा फायदा होगा। बाजार में सोयाबीन के दाम बढ़ने से काफी फायदा होगा। सरकार ने सोयाबीन खरीदने का फैसला लिया है। प्याज की बड़ी समस्या थी और केंद्र सरकार ने प्याज की न्यूनतम कीमत कम कर दी है। इससे प्याज, कपास, सोयाबीन, बासमती चावल किसानों को फायदा होगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि भारत सरकार ने जो तेल आयात होता है उसके ऊपर कच्चे तेल पर 20% और रिफाइंड पर 12.5 से 32.5% बढ़ाकर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसके कारण सोयाबीन के जो हमारे किसान हैं वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं और बड़े पैमाने पर सोयाबीन का जो भाव है वो किसानों को बढ़कर मिलने वाला है। साथ साथ हमारे केंद्र सरकार ने दूसरा जो निर्णय लिया है, प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है। इसके कारण प्याज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा और साथ में जो बासमती राइस है उस बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट की परमिशन तो थी ही, लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको ज़ीरो कर दिया है। इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से ने भाजपा प्रवेश पर रखी अपनी भूमिका पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनके संबंध में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह हम सभी को स्वीकार्य है। इस संबंध में गणपति के बाद केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर उचित निर्णय लिया जाएगा। ते काय म्हणाले हे मी ऐकलेलं नाही, मात्र त्यांच्या संदर्भात आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाने निर्णय घेतलेला आहे। तो निर्णय आम्हाला सर्वांना त्या ठिकाणी मान्यच आहे, त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करून गणेश उत्सवानंतर त्या संदर्भात योग्य निर्णय केला जाईल। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।